जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के अवध नामा के शो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अर्थव्यवस्था और राजनीति की चर्चा मैंने पिछले एपिसोड में आपसे की, आज का एपिसोड आपका एपिसोड है, भारत का एपिसोड है, दुनिया का एपिसोड है, वैदिक समाज। समाज एक जिंदा इकाई है, इस लाइन को गौर कर से सुनिएगा। समाज एक जिंदा इकाई है, जिंदा, वो भी प्रभावित होती है, अर्थव्यवस्था से प्रभावित होती है, राजनीति से प्रभावित होती है, संस्कृति से प्रभावित होती है। आप कहेंगे कि एग्जाम्पल बताइए, अफगानिस्तान, आज स्त्री की दशा देखिए, अफगानिस्तान में गुलाम है, परेशान है। वही औरतें, मुस्लिम औरतें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी, उनकी दशा देखिए। तो समाज एक जीवित इकाई है। अब इस समाज का आईना क्या है? साहित्य। आज बहुत लोगों ने साहित्य पढ़ना छोड़ दिया। इस समाज का आईना क्या है? सिनेमा, मूवी। आप कहेंगे कैसे? 1960 के दशक की अगर आप मूवियां देखें, 70 की, तो मूवी का नाम क्या है? रोटी, रोटी, कपड़ा और मकान। क्योंकि उस वक्त भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रोटी, भोजन। लेकिन 1991 के बाद अगर आप मूवी देखें तो मूवी का नाम है जिस्म, मूवी का नाम है मर्डर। देखिए समाज परिवर्तित हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? 1970-80 के दशक में आपने बजाज सुपर चलाई, आपने बजाज चेतक चलाई, आपने लमरेटा चलाया, किसी ने एक्टिवा चलाया? 1991 के बाद की गाड़ी है एक्टिवा। स्त्री भी ऑफिस जा रही है, पुरुष भी ऑफिस जा रहा है। अब बजाज सुपर सबसे नहीं चलेगी, बाइक की तरफ भाग रही है ना। अब बजाज चेतक सबसे नहीं चलेगी, अब स्त्री को भी जाना है, पुरुष को भी जाना है, तो अब चलेगी एक्टिवा। समाज 70 दशक की अगर आप मूवी देखें तो गाना है कि फूल तुम्हें भेजा है खत्म, फूल नहीं मेरा दिल है। इतनी गरीबी, फूल से ज्यादा कोई कुछ भेज ही नहीं सकता। 1991 के बाद का गाना है, कुड़ी कहंदी है मैनू जगुआर ले लो। देखो देखो कैसे अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के साथ समाज बदल रहा है। तो समाज एक जीवित व्यवस्था है। किससे कनेक्टेड है? अर्थव्यवस्था से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? संस्कृति से कनेक्टेड है। ऋग्वैदिक समाज, समता का समाज, इक्वालिटी का समाज। एक ही कबीला, एक कबीले में एक कुल के लोग होते थे, क्लैन बेस्ड सोसाइटी, कुल आधारित कुल। आज समाज में एक ही कुल के लोग हैं, एक शहर में एक ही कुल के लोग हैं, कबीला, क्लैन बेस्ड सोसाइटी, कुल आधारित समाज। अपने घर में आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि पिताजी और बाबा जी सवर्ण हो गए, ब्राह्मण हो गए, माता जी क्षत्रिय हो गई, बड़े वाले भैया वैश्य हो गए, बाकी जितने छोटे मोटे लोग हैं शूद्र। ऐसा नहीं, कुल आधारित समाज है, समानता का समाज है। स्त्री की दशा बेहतरीन, एक्सलेंट तो नहीं कहेंगे ऋग्वैदिक काल में, बेहतरीन, सबसे अच्छी, शानदार। क्यों? क्योंकि स्त्री को शिक्षा का अधिकार है, स्त्री को राजनीतिक इकाइयों में उपस्थित होने का अधिकार है, और सबसे बड़ा अधिकार जो आज पुरुषों को नहीं है, वर चुनने का अधिकार। ये पुरुषों को नहीं है आज, ये अधिकार पुरुषों को नहीं है। अगर आप शादी की उम्र में हैं और आपने अपने पिताजी से जाके कह दिया कि बाबूजी हमको एक लड़की पसंद आई, बहुत सुंदर, सुशील, गृहकार में दक्ष, पिताजी तुरंत पूछेंगे लड़की के पापा क्या करते? अरे बाबूजी रिक्शा चलाते हैं। बहुत मारेंगे आपको, इतना मारेंगे कि इतना पढ़ाया लिखाया, रिक्शा वाले घर में शादी करोगे। और अगर आपने कहा कि बाबूजी लड़की तो ठीक नहीं है, थोड़ा सा तीन तीन दिन, चार चार दिन तो घर ही नहीं आती, लड़ाई करती है सबसे, कभी कभी शराब भी पी लेती है। बाबूजी ने कहा अच्छा पिताजी क्या करते हैं? आपने कहा पिताजी तो सेंट्रल मिनिस्टर,
कहेंगे बेटा संस्कार की बात है, तुमको पूछने की क्या जरूरत थी, तुम शादी कर लेते, हमारे घर में आएगी, संस्कार ही हो जाएगी। विवाह व्यक्तियों का रिश्ता नहीं है, विवाह परिवारों का रिश्ता है। ऋग्वैदिक काल में स्त्री को वर चुनने का अधिकार है, स्त्री को शिक्षा का अधिकार, लोपामुद्रा। विदर्भ राज की बेटी राजकुमारी, स्त्री को राजनीतिक इकाइयों में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन लेकिन अंततः स्त्री पुरुष वर्ग के संरक्षण में है। इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि एक्सलेंट तो नहीं है लेकिन अच्छी है, शानदार है, तीन बड़े अधिकार उसके पास है। तो समाज समतावादी है, कबीले का समाज, कबीला से कुरु कबीला है, मैं कबीले की बात कर रहा हूं, कबीले का समाज, समाज के अंतर्गत समानता है, एक ही कुल के लोग हैं, समाज के अंतर्गत स्त्रियों का सर्वोच्च स्थान है, कबीले के अंतर्गत स्त्रियों का सर्वोच्च स्थान है। दास प्रथा की सूचना नहीं है, क्या करेंगे दास, रिक्शा वाला क्लीनर थोड़ी रख सकता है, जिसकी भरण पोषण अर्थव्यवस्था है वो दास कहां रखेगा, क्लीनर कौन रखेगा, ट्रक वाला रखेगा। जहां सरप्लस है, जहां जरूरत है, दास प्रथा नहीं, प्रथा ऐसा नहीं कि दास नहीं है, लेकिन दास प्रथा नहीं है। जब भी किसी व्यवस्था को समाज में कानूनिक मान्यता मिलती है, विधिक मान्यता मिलती है, तो हम उसको व्यवस्था कहते हैं। जैसे सती प्रथा, जाति प्रथा, दास प्रथा, दास प्रथा नहीं है, श्रमिक वर्ग नहीं है, मजदूरों का वर्ग नहीं है, वर्किंग क्लास नहीं है, लेबरर नहीं है, जरूरत ही कहां है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत, किसी चीज की जरूरत होगी तब वो चीज मौजूद होगी। भरण पोषण, सबसिस्टेंस इकॉनमी, तो श्रमिक वर्ग नहीं है, मजदूर नहीं है। समाज में सिर्फ तीन वर्ग हैं, पुरोहित, प्रीस्ट, राजन्य, राजा, और विश, विश मतलब आम आदमी। यह है सामाजिक व्यवस्था ऋग्वैदिक काल की। लेकिन 1000 BC में, 1000 BC में लौह क्रांति, आयरन रेवल्यूशन, और लौह क्रांति ने अर्थव्यवस्था को बदला, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं बदला, स्टेट सिस्टम, राज्य का उदय, राजनीति भी बदली। सिर्फ अर्थव्यवस्था और राजनीति नहीं बदली, भौगोलिक दशा भी बदली। ऋग्वैदिक आर्य कहां रहते हैं, सप्तसंधों के रीजन में, और उत्तर वैदिक लोग कहां रहते हैं, यमुना से गंगा के बीच में, जिसको आज आप वेस्टर्न यूपी और हरियाणा का इलाका बताते हैं, वहां से लेकर बिहार तक, ये उत्तर वैदिक लोगों का इलाका है, कुरुक्षेत्र, पंचाल और विदेह। अब तीन चीज बदली उत्तर वैदिक काल में, क्या क्या बदला, अर्थव्यवस्था बदली। अब बनाइए इसको, आप पिक्चर बनाइए अपने मन में, तभी समझ में आएगा, सुनिए मत, सिर्फ प्रवचन के रूप में मत देखिए। अर्थव्यवस्था बदली, कृषि अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चरल इकॉनमी, राजनीति बदली, स्टेट सिस्टम, कुरुक्षेत्र, पंचाल, विदेह, ज्योग्राफी बदली। अब जब ये तीन चीज बदली तो समाज का बदलना स्वाभाविक था, समाज का बदलना स्वाभाविक है। इतिहास इतना रोमांचक विषय है, रोमांचक। इतिहास एक ऐसा विषय है जो दो लोगों के लिए लिखा जाता है, दुनिया में कोई दूसरा विषय ही नहीं जो दो लोगों के लिए अलग अलग लिखा जाए। इतिहास एकमात्र विषय है जो दो लोगों के लिए अलग अलग लिखा जाता है, एक राजा के लिए, क्योंकि इसमें राजशाही के सिद्धांत है, और एक प्रजा के लिए, क्योंकि प्रजा को एक दर्शन देना है, एक फिलॉसफी देनी है, एक आइडियोलॉजी देनी है। इसीलिए आप देखेंगे कि आम आदमी का जो इतिहास होता है, ऐतिहासिक जानकारी होती है, और राजा वर्ग की जो ऐतिहासिक जानकारी होती है, उसमें बड़ा फर्क होता है, बहुत अंतर होता है। आम आदमी डिवोटी है, भक्त, एरिस्टोक्रेसी जागृत है, आम आदमी को सरेंडर करना है, शाही वर्ग को जीना है, जीतना है, उठना है,
अब उत्तर वैदिक काल के समाज में जो सबसे बड़ी और अहम घटना जिसको लेकर आज हमारे आज के भारत के समाज में बड़ा उहापोह, बड़ा विवाद, बड़ा झगड़ा, बड़ा शंका, वो है वर्ण व्यवस्था का जन्म, वर्ण सिस्टम, भारत का अद्भुत व्यवस्था, अद्भुत। ये एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था कि अगर इसे व्यवहारिक रूप से मान लिया जाए, अप्लाइड रूप में, प्रैक्टिकल रूप में, तो भारत हमेशा सुपर पावर रहे। बड़ी जबरदस्त व्यवस्था, बहुत शानदार व्यवस्था। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में। सर, मैं अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही मैंने आपसे बताया कि वर्ण व्यवस्था किस पर निर्धारित है, ड्यूटी पर। मैंने आपसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया कि वर्ण व्यवस्था पैदा हुई उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड, और जाति व्यवस्था पैदा हुई गुप्तोत्तर काल में, पोस्ट गुप्ता। दोनों की अलग अलग पृष्ठभूमि है, दोनों का अलग अलग कारण है। बड़ी अनोखी व्यवस्था, भारतीय संस्कृति की बड़ी अनोखी व्यवस्था। बुद्ध ने इसको खत्म करने की बात नहीं कही। अभी मैं जब आऊंगा बुद्ध काल में, जिसको छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल कहते हैं, तो आप जानकर हैरान रहेंगे कि बुद्ध ने इसको खत्म करने के लिए नहीं कहा, बुद्ध ने इसमें सुधार करने की बात की। क्या और क्यों, मैं वही बताऊंगा आपको। यहां वर्ण व्यवस्था पैदा हुई जन्म पर आधारित, यह व्यवस्था जन्म पर आधारित है उत्तर वैदिक काल में। कहां मेंशन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10th मंडल, 10th चैप्टर। इंटरपोलेशन माना जाता है कि बाद में लिखा गया। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि आधुनिक काल के पूर्व, प्री मॉडर्न पीरियड में धर्म संविधान है। तो अब जब धर्म संविधान है, तो इस व्यवस्था का उदय धर्म से भी दिखाया जाएगा। प्री मॉडर्न युग में, आधुनिक काल पूर्व में, अगर किसी व्यवस्था को आपको सामाजिक मान्यता दिलानी है, तो आपको उसे धर्म से जोड़ना ही था, क्योंकि धर्म क्या था, संविधान। आज अगर आपको किसी चीज को सामाजिक मान्यता दिलानी है, तो उसे संविधान से जोड़ना ही पड़ेगा। एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया संविधान में जोड़कर। तो अब यह बहुत बड़ा तथ्य है, यह बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा कि आधुनिक काल से पूर्व किसी चीज को धर्म से अगर नहीं जोड़ा जाता, तो उसे सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाती। इसका मतलब धर्म ने किसी चीज को पैदा नहीं किया, समझिए इस बात को, रुकिए यहां पर, शांत होइए थोड़ा सा। इसका मतलब धर्म ने किसी चीज को पैदा नहीं किया। कोई भी चीज पैदा हुई आर्थिक कारण से, राजनीतिक कारण से, सामाजिक सांस्कृतिक कारण से, लेकिन फिर उसे धर्म के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि वो धर्म क्या है, संविधान है। उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, राजा करेगा। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, किससे उत्पत्ति बताई गई, ब्रह्मा से। ब्रह्मा ही क्यों, क्योंकि ब्रह्मा क्रिएटर है। मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाहु से क्षत्रिय पैदा हुआ, थाई से वैश्य पैदा हुआ, और पंजों से, पैर से शूद्र, शूद्र पैदा हुआ। इसका भी बड़ा महत्व है, इसका बड़ा विशेष, बहुत विशेष उपयोगिता है। यह तो हुआ धार्मिक पहलू, यह धार्मिक पहलू हुआ कि ब्रह्मा से पैदा हुई वर्ण व्यवस्था। ओरिजिनल रीजन क्या था, वास्तविक रीजन क्या था, वास्तविक रीजन था एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। समझिएगा, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। किसी चीज को धर्म ने पैदा नहीं किया, पैदा हुई या तो आर्थिक कारण से, या भौगोलिक ज्योग्राफिकल रीजन से, या कल्चरल रीजन से, या किसी अन्य रीजन से, लेकिन प्री मॉडर्न पीरियड में
आधुनिक काल से पूर्व में उसको धर्म से सिर्फ इसलिए जोड़ा गया क्योंकि धर्म संविधान था। संविधान से जुड़ने के बाद उस चीज को सामाजिक मान्यता मिलनी थी। अब ये पैदा क्यों हुआ? अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था। अब ऋग्वैदिक इकोनॉमी, अब देखिए ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था, भरण पोषण, पशुचारण, पेस्टोरल, वर्कर लॉबी की जरूरत ही नहीं अगर आपका संबंध गांवों से है। मैं तो बचपन में बड़ा गाय वगैरह चराया हूं, नाना के घर गया हूं तो चरवाहा ही रहा हूं। 80 का दशक, 80 के दशक के गांव यानी स्वर्ग और नाना का घर महास्वर्ग। तब तो मोबाइल तो था नहीं, तब तो लैपटॉप था नहीं, तब तो आईपैड था नहीं कि बैठ के डोरेमोन देख रहे हैं। तब तो नाना के यहां सुबह 7 बजे उठे, 6 बजे, और 7 बजे तक गाय वाय लेके निकल गए। तो कितनी भी गाय हैं, 20, 25, 30, एक आदमी मैनेज करेगा, एक आदमी संभाल लेगा। यानी पशुचारण जो अर्थव्यवस्था है, भरण पोषण जो अर्थव्यवस्था है, उसे श्रमिक वर्ग की जरूरत नहीं है। और इन्वेंशन की मां कौन है? अब ये फॉर्मूला दिमाग में रखिए, जब भी कोई चीज पैदा हो ना, इस फॉर्मूले को लगा दीजिए। आप फॉर्मूला यूज ही नहीं करते, आप सिर्फ मैथ में फॉर्मूला यूज करते हैं, इतिहास में भी यूज करिए। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ऐसी कौन सी आवश्यकता पैदा हुई कि वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। कृषि अर्थव्यवस्था ने श्रमिक वर्ग की मांग को जन्म दिया। क्या बात है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ने लेबर क्लास के जन्म की मांग पैदा की। अब जब लेबर क्लास के जन्म की मांग पैदा की तो पैदा तो हो गई, इस पृष्ठभूमि में वर्ण व्यवस्था का जन्म होगा। जन्म पर आधारित उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था जन्म पर आधारित, यानी आप जन्म से ब्राह्मण हैं, आप जन्म से क्षत्रिय हैं, आप जन्म से वैश्य हैं, आप जन्म से शूद्र हैं। अंतर्वर्णीय सामाजिक संबंध, अंतर्वर्णीय, एक वर्ण अपने ही अंदर, यानी ब्राह्मण वर्ण जो है वो ब्राह्मण के अंदर ही सामाजिक संबंध बनाएगा, क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ बनाएगा, वैश्य वैश्य के साथ बनाएगा, और शूद्र शूद्र के साथ। दूसरी विशेषता। तीसरी बात, अब आप इस व्यवस्था का महत्व समझिएगा। तीसरी बात, इस व्यवस्था का सबसे बड़ा पहलू यह रहा, सबसे बड़ा वर्ण व्यवस्था का, इस व्यवस्था का सबसे बड़ा पहलू यह रहा कि जिस सामाजिक स्ट्रेटिफिकेशन की बात, सामाजिक वर्गीकरण की बात आधुनिक काल में समाजवादियों ने की, कम्युनिस्टों ने की, वो यहां पैदा होती दिखाई पड़ती है। वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम, सर्वोच्च ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और वर्ण व्यवस्था आधारित है ड्यूटी पे। तो जाति व्यवस्था किस पे आधारित है? प्रोफेशन पे। कुम्हार जो है वो वर्ण नहीं है, पॉटर। जुल्हा जो है वो वर्ण नहीं है, पीवर। ये बहुत बड़ा डिफरेंस दिमाग में रखिए। वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित है? ड्यूटी पे। ब्राह्मण का धर्म है शिक्षा देना, ज्ञान देना। क्षत्रिय का धर्म है सुरक्षा करना। वैश्य का धर्म है व्यापार, और शूद्र का धर्म है सेवा, सर्विस। उत्तरवादी काल में वर्ण व्यवस्था अभी सख्त नहीं हुई। इतिहास में जितनी तेजी से राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, उतनी तेजी से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन नहीं होते।
सबसे तेजी से कौन से होते हैं? राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक। पर जितनी तेजी से राजनीतिक परिवर्तन होते हैं उतनी तेजी से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होते। तो उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि शूद्र को अभी भी कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, कुछ दायित्व मिले हुए हैं, कुछ सुविधाएं मिली हुई हैं। इस व्यवस्था का जो व्यवस्थीकरण किया, व्यवस्थित किया, महान बनाया, ऋग उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित है? जब हम छठी शताब्दी में आएंगे, बुद्ध के काल में आएंगे, तो आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था जन्म से हटकर बुद्ध किसकी बात करते हैं? कर्म की बात करते हैं। कहते हैं वर्ण व्यवस्था ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कर्म पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि टैलेंट इज नॉट बाउंड टू एनी कास्ट, रिलीजन, क्रीड और जेंडर। योग्यता जो है वो किसी जात की बपौती नहीं है, अंबेडकर। योग्यता जो है वो किसी जेंडर की बपौती नहीं है, जेंडर मतलब लिंग, रजिया। योग्यता जो है किसी क्षेत्र की बपौती नहीं है, योग्यता नैसर्गिक है, नेचुरल। और या फिर योग्यता को विकसित किया जा सकता है, ये बुद्ध का कहना था कि अगर हम इस वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित कर दें कि जो कर्म से ज्ञान बांट रहा है, जो शिक्षक है वो ब्राह्मण है, और अगर ये बात हमारे आज के समाज में लागू हो जाए, सारा झगड़ा ही खत्म। वर्ण व्यवस्था को मिटाने की बात नहीं हो रही है, वर्ण व्यवस्था के जो बुद्ध का स्वरूप है उसको लागू करने की बात हो रही है। जो आज ज्ञान बांट रहा है वो ब्राह्मण, जो आज सुरक्षा दे रहा है वो क्षत्रिय, जो आज व्यापार कर रहा है वो वैश्य, और जो सेवा कर रहा है वो शूद्र। सामाजिक व्यवस्था आज अपने आप ही सुव्यवस्थित हो जाएगी। यानी वर्ण व्यवस्था का जो बुद्ध का प्रारूप है वो बड़ा व्यवहारिक है और भारत में क्रांति ला सकता है, भारत के समाज को सर्वोच्चतम ऊंचाई पर पहुंचा सकता है, योग्यता को प्रोत्साहन। इसीलिए तो भारत का समाज कई क्षेत्रों में पिछड़ा है। भाई भतीजेवाद को प्रोत्साहन, रिश्तेदार को प्रोत्साहन, दोस्त को प्रोत्साहन, संबंधी को प्रोत्साहन वर्ण व्यवस्था कहती नहीं, नहीं, नहीं। बुद्ध पे बुद्ध के प्रारूप वाली वर्ण व्यवस्था कहती योग्यता को प्रोत्साहन। कबीर अगर ज्ञान दे सकते हैं तो ब्राह्मण है, रविदास अगर ज्ञान दे रहे हैं तो ब्राह्मण है, नानक अगर ज्ञान दे रहे हैं तो ब्राह्मण है। अगर भारत योग्यता को प्रोत्साहन देने लगे तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत अपनी ऊंचाइयों पर ना पहुंचे, क्योंकि भारत योग्यताओं का देश है। मैं भारत में पैदा हुआ ये मेरा सौभाग्य है, भारत ज्ञान का क्षेत्र। मैं दुनिया के किसी और मुल्क में, पश्चिम में पैदा होता मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता, मैं पश्चिम में पैदा होता एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता, फोटोग्राफर बन जाता, शिक्षक बन जाता। भारत में जो पैदा हुआ है उसको मानव से भगवान तक बनने की सुविधा है। यहां लोग क्लर्क बनने के लिए मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, सर सर मैंने दो अटेम्प्ट एसएससी दिया सर, मेरा नहीं हो रहा है। एसएससी सर, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं सर, मैं डिप्रेशन में रहता हूं सर। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हो और सोचते हो कि एवलॉन्च ना आए, तब सोच ही क्यों रहे हो, बर्फीला तूफान। तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा तुम्हारा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। संघर्ष खत्म करना चाहते हो जीवन में, संघर्ष हटाना चाहते हो जीवन में, सपना खत्म कर दो, संघर्ष खत्म। तो जिस देश में भगवान बनने का विज्ञान पैदा हुआ हो, किस का सूत्र क्या है? वर्ण व्यवस्था। किसके द्वारा प्रतिपादित? बुद्ध द्वारा। लेकिन फिर आप कहेंगे कि बुद्ध द्वारा, बुद्ध से पहले किसी ने इस व्यवस्था की बात नहीं की ना? बुद्ध ने फैलाया इसको, जैसे योग तो पतंजलि की देन है ना, लेकिन आज पूरी दुनिया के सामने किसने रखा? पतंजलि ने। आज पतंजलि के योग को पूरी दुनिया के सामने किसने रखा? बाबा रामदेव ने।
बड़े सारे मेरे मित्र विदेशों में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते हैं कि योग का जन्मदाता कौन। कहते हैं बाबा रामदेव ने क्या टेक्नोलॉजी विकसित की, विकसित नहीं की, प्रमोट किया, प्रचार किया। यानी वर्ण व्यवस्था का जो व्यवहारिक रूप है, जो अप्लाइड रूप है, जो भगवान बनने की कला बताता है, वो बुद्ध की देन नहीं है। नहीं, बुद्ध ने उसका प्रचार किया, बुद्ध ने उसका प्रसार किया, तो किसकी देन है? उपनिषदों की। और उपनिषद ब्राह्मण परंपरा में आते हैं। फिर मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि योग के जन्मदाता पतंजलि है, लेकिन योग को घर घर किसने पहुंचाया? बाबा रामदेव ने। हम अपने देश को भूल गए, हम अपने सूत्रों को भूल गए जिसके बल पर क्या से क्या बनने की स्थिति रखते थे। आज के युवा कहता है कि द ओनली ड्रीम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। मेरे जीवन का एकमात्र सपना है कि मैं आईएएस बनूं। सर आप आईएएस बनिए, कौन मना कर रहा है? पर इतना छोटा सपना लेके क्यों चल रहे हैं? सपना बड़ा बनाइए कि भगवान बनने की क्षमता रखना, भगवान बनना चाहता हूं। आईएएस तो उस जर्नी का एक पड़ाव है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो उस जर्नी का एक पड़ाव है, मिनिस्टर तो उस जर्नी का एक पड़ाव है, फाइनल डेस्टिनेशन वही है उपनिषद, ब्रह्म, गुरु, इन सब की बात कौन करता है? उपनिषद। तो ये जो द्विज का कॉन्सेप्ट है, द्विज, ट्वाइस बॉर्न, मैं बाहर जाता हूं, लोग कहते हैं यार तुम लोगों ने साइंस की फील्ड में बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं की। अरे मैंने कहा बड़ी अचीवमेंट की, अब मैं क्या तुमको बताऊं, लेकिन मैं उस साइंस के अचीवमेंट पर यहां चर्चा करूंगा। मैंने कहा भारत अचीवमेंटों में पीछे नहीं है। बोले तुमने कोई कार नहीं बनाई, तुमने कोई हवाई जहाज नहीं बनाया। मैंने कहा यार तुम बना ही रहे हो तो हम क्यों बनाए। और जो देश भगवान बनने की क्षमता रखता है, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का सबसे प्रमुख पॉइंट क्या है? द्विज। बड़ा हल्ला मचता है कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन। सनातन संस्कृति है वो रियल कन्वर्जन की बात करती है। इसलिए आपने देखा होगा हिंदुओं में कन्वर्जन करने की बड़ी ललक नहीं है। जितनी ललक और धर्मों में है उतनी हिंदू में नहीं है। हिंदू कन्वर्जन की बात ही नहीं करता। शायद ही हिंदू ने कभी किसी से कहा हो कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। महात्मा गांधी का एक बड़ा फेमस प्रसंग है कि अमेरिका का कोई उनका डिसाइपल ने उनको पत्र लिखा कि बाबा जी मैं हिंदू बनना चाहता हूं। उन्होंने उसे जवाब दिया कि तुम एक अच्छे ईसाई बन जाओ, तुम बस एक अच्छे ईसाई बन जाओ, हिंदू बनके क्या करोगे। ईसाइयत भी उसी मंजिल तक ले जाने की बात करती है। हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति कन्वर्जन की बात ही नहीं करती, करती ही नहीं, क्योंकि भारतीय संस्कृति ओरिजिनल कन्वर्जन को जानती है। और उस कन्वर्जन का सूत्र क्या है? वर्ण व्यवस्था। भारतीय संस्कृति की सबसे महान देन द्विज। वर्ण व्यवस्था का प्रमुख अंग क्या है? द्विज। द्विज ट्वाइस बॉर्न, दो बार जन्म, दो बार जन्म। हां कैसे? एक जन्म आपकी मां देती है जब आप इंद्रियों पर जीते हैं, सेंसेस पर, और एक जन्म आपका गुरु देता है जब आप इंद्रियों से उठकर कॉन्शियस पे आ जाते हैं, चैतन्य पे। आप कहेंगे एग्जाम्पल सिद्धार्थ, सिद्धार्थ माल्या नहीं, सिद्धार्थ राजा सुद्धोधन का बेटा। क्या नहीं है उसके पास? स्त्रियां हैं, महल है, राजशाही है, और वो बन गया बुद्ध। ये है रियल कन्वर्जन, ये है वास्तविक कन्वर्जन, इंद्रियों से चैतन्य पर आना। नरेंद्र बन गए स्वामी विवेकानंद। स्वामी किसके? इंद्रियों के। जिसके पास क्या है? विवेक है। जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है और जिसके पास विवेक है वो हमेशा आनंद में रहेगा। नाम खुद ही एक दर्शन है। भारतीय समाज की सबसे बड़ी व्यवस्था जिसकी वजह से भारत आज भी जगत गुरु बन सकता है, जिसकी वजह से भारत आज भी महान बन सकता है,
जिसकी वजह से भारत आज भी हर क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ सकता है, वो है उपनिषदिक परंपरा पर आधारित वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था पैदा हुई उत्तर वैदिक काल में, लेकिन उसकी दो धारा है, एक ब्राह्मण धर्म की, एक उपनिषदिक धारा है बौद्ध धर्म की। अगर वर्ण व्यवस्था को ये देश समझ जाए, इसलिए जीवन में सिर्फ टीचर की तलाश मत करिए ना, इसलिए जीवन में सिर्फ टीचर की तलाश मत करिए, गुरु की भी तलाश करिए जो आपको प्रकाश में ले जा सके, जो आपको बता सके कि ये जो इंद्रियों में उलझे हो ना, सोचते हो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ले, खरीद लो, बड़े बड़े मकान बनवा ले, बनवा लो, सीमा है इनकी, एक समय के बाद इंद्रियां कमजोर पड़ जाएंगी, नहीं भोग पाओगे, और जब नहीं भोग पाओगे तो भोगोगे। बड़ा प्यारा शब्द है भोग। भोग एक ऐसा शब्द है जिसके दो मीनिंग है, डबल मीनिंग, पर कहने के स्टाइल पे डिपेंड करता है कि अरे भैया राजा है, भोग रहे हैं मतलब मजा ले रहे हैं, और दूसरा कि अरे भैया शुगर हो गई, बीपी है, अब भोग रहे हैं मतलब कष्ट में है। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज की, एक भारतीय संस्कृति की एक अनूठी चीज, जिसको सूत्र पता है मानव को भगवान बनाने का। पैदा कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। क्यों पैदा हुई? कृषि अर्थव्यवस्था की वजह से। क्या आवश्यकता थी? श्रमिक वर्ग की। लेकिन अब जो आध्यात्मिक वर्ण व्यवस्था का रूप है, ये तो हिस्टोरिकल है, उत्तर वैदिक काल वाली, उत्तर वैदिक काल वाली ऐतिहासिक है, स्पिरिचुअल, बड़ा महान सूत्र है। जो आध्यात्मिक पहलू है वर्ण व्यवस्था का, बहुत महान है, बहुत महान। सिद्धार्थ को बुद्ध बना देती है, आज तक अमर है बुद्ध। वर्ण व्यवस्था बहुत महान उपलब्धि भारतीय संस्कृति की, वर्ण व्यवस्था। उसके दो धाराएं हैं, उलझिएगा मत, कंफ्यूज मत होइएगा। ऐतिहासिक धारा जो उत्तर वैदिक काल की धारा है, जिसका उद्गम स्थल है ऋग्वेद का 10वां मंडल, एक आध्यात्मिक धारा की है, जिसका उद्गम स्थल है उपनिषद, गुरु, ब्रह्म, पुनर्जन्म, मोक्ष। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, और फिर हमारी मुलाकात आपसे अगले संडे को होगी ठीक 12 बजे। जय हिंद। काल में पोस्ट गुप्ता, दोनों की अलग अलग पृष्ठभूमि है, दोनों का अलग अलग कारण है। बड़ी अनोखी व्यवस्था भारतीय संस्कृति की, बड़ी अनोखी व्यवस्था। बुद्ध ने इसको खत्म करने की बात नहीं कही। अभी मैं जब आऊंगा बुद्ध काल में, जिसको 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल कहते हैं, तो आप जानकर हैरान रहेंगे कि बुद्ध ने इसको खत्म करने के लिए नहीं कहा, बुद्ध ने इसमें सुधार करने की बात की। क्या और क्यों, मैं वही बताऊंगा आपको। यहां वर्ण व्यवस्था पैदा हुई जन्म पर आधारित, यह व्यवस्था जन्म पर आधारित है उत्तर वैदिक काल में। कहां मेंशन है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10th मंडल, 10th चैप्टर। इंटरपोलेशन माना जाता है कि बाद में लिखा गया। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि आधुनिक काल के पूर्व, प्री मॉडर्न पीरियड में धर्म संविधान है। तो अब जब धर्म संविधान है, तो इस व्यवस्था का उदय धर्म से भी दिखाया जाएगा। प्री मॉडर्न युग में, आधुनिक काल पूर्व में, अगर किसी व्यवस्था को आपको सामाजिक मान्यता दिलानी है, तो आपको उसे धर्म से जोड़ना ही था, क्योंकि धर्म क्या था? संविधान। आज अगर आपको किसी चीज को सामाजिक मान्यता दिलानी है, तो उसे संविधान से जोड़ना ही पड़ेगा। एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया संविधान में जोड़कर। तो अब ये बहुत बड़ा तथ्य है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा।
कि आधुनिक काल से पूर्व किसी चीज को धर्म से अगर नहीं जोड़ा जाता तो उसे सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाती। इसका मतलब धर्म ने किसी चीज को पैदा नहीं किया, समझिए इस बात को, रुकिए यहां पर, शांत होइए थोड़ा सा। इसका मतलब धर्म ने किसी चीज को पैदा नहीं किया। कोई भी चीज पैदा हुई आर्थिक कारण से, राजनीतिक कारण से, सामाजिक सांस्कृतिक कारण से, लेकिन फिर उसे धर्म के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि वो धर्म क्या है, संविधान है। उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, राजा करेगा। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, किससे उत्पत्ति बताई गई, ब्रह्मा से। ब्रह्मा ही क्यों, क्योंकि ब्रह्मा क्रिएटर है, मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाहु से क्षत्रिय पैदा हुआ, थाई से वैश्य पैदा हुआ, और पंजों से, पैर से शूद्र शूद्र पैदा हुआ। इसका भी बड़ा महत्व है, इसका बड़ा विशेष, बहुत विशेष उपयोगिता है। ये तो हुआ धार्मिक पहलू, ये धार्मिक पहलू हुआ कि ब्रह्मा से पैदा हुई वर्ण व्यवस्था। ओरिजिनल रीजन क्या था, वास्तविक रीजन क्या था, वास्तविक रीजन था एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। समझिएगा, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। किसी चीज को धर्म ने पैदा नहीं किया, पैदा हुई या तो आर्थिक कारण से, या भौगोलिक ज्योग्राफिकल रीजन से, या कल्चरल रीजन से, या किसी अन्य रीजन से, लेकिन प्री मॉडर्न पीरियड में, आधुनिक काल से पूर्व में, उसको धर्म से सिर्फ इसलिए जोड़ा गया क्योंकि धर्म संविधान था। ऋग्वैदिक इकोनॉमी, अब देखिए ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था, लेटर वैदिक अर्थव्यवस्था, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था, भरण पोषण, पशुचारण, पैस्टोरल, वर्कर लॉबी की जरूरत ही नहीं अगर आपका संबंध गांवों से है। मैं तो बचपन में बड़ा गाय वगैरह चराया हूं, नाना के घर गया हूं तो चरवाहे ही रहा हूं। 80 के दशक के गांव यानी स्वर्ग, और नाना का घर महास्वर्ग। तब तो मोबाइल तो था नहीं, तब तो लैपटॉप था नहीं, तब तो आईपैड था नहीं कि बैठ के डोरेमोन देख रहे हैं। तब तो नाना के यहां सुबह 7 बजे उठे, 6 बजे, और 7 बजे तक गाय वाय लेके निकल गए। तो कितनी भी गाय हैं, 20, 25, 30, एक आदमी मैनेज करेगा, एक आदमी संभाल लेगा। यानी पशुचारण जो अर्थव्यवस्था है, भरण पोषण जो अर्थव्यवस्था है, उसे श्रमिक वर्ग की जरूरत नहीं है। और इन्वेंशन की मां कौन है, अब ये फॉर्मूला दिमाग में रखिए, जब भी कोई चीज पैदा हो ना, इस फॉर्मूले को लगा दीजिए। आप फॉर्मूला यूज ही नहीं करते, आप सिर्फ मैथ में फॉर्मूला यूज करते हैं, इतिहास में भी यूज करिए। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि ऐसी कौन सी आवश्यकता पैदा हुई कि वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। कृषि अर्थव्यवस्था ने